हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का एपिसोड बहुत ही खास है और आज हमारे साथ हैं मंजीत कौर मैम। मंजीत मैम एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविटीज़ के कंट्रीब्यूटर हैं। मैम दोबारा बोलना, क्या बोलूँ मैं? सोशल रिफॉर्मर बोल दो, सोशल कम्युनिटी वर्कर। प्लीज़ व्हेन द टी इज़ टू बी सर्व्ड, एनी टाइम वी कैन कीप अ टेबल एंड कीप सिपिंग टी। मैं तो ऐसे ही कर लूँगा। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. नमस्कार। आज का एपिसोड एक बहुत ही खास एपिसोड है क्योंकि आज हमारे साथ हैं मंजीत कौर मैम, जो कि बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व हैं सोशल वर्क में, कम्युनिटी वेलफेयर में, and she is a very prominent lady of Chandigarh and she's been working for so many years. और अभी UT में child friendly city जो बनने जा रही है UT चंडीगढ़, उसके पीछे भी मैम का एक बहुत prominent role है। तो आइए आज के episode में हम बात करते हैं मंजीत कौर मैम से। Hello everyone, हाँ जी, hope everything is good। क्या project है child friendly city का लेके? 3 साल पहले यूनेस्को से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो स्लम एरियाज हैं उन बच्चों को अपने राइट्स पता होने चाहिए, अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए। दे शुड फील एट पार विद ऑल ऑफ अस। सो विद दैट एम वी स्टार्टेड 3 years बैक एंड वी बीन क्वाइट सक्सेसफुल, पर इतना नहीं बिकॉज इनिशियली वी वर स्ट्रगलिंग, वी डिडंट नो हाउ टू गो अबाउट, बट नाउ आई थिंक वी फुली गियर्ड अप एंड वी वेटिंग फॉर एक्सटेंशन टू बी गिवन टू अस से इन अनदर फ्यू वीक्स। मैम से जब मैं बात कर रहा था तो मैम ने ना कहा कि ओजस्वी, फॉर यू एंड फॉर ऑल योर ऑडियंस मैं आपको 3 टिप्स दूंगी फॉर अ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज लिविंग। मैम क्या है वो टिप्स? आजकल क्या है, जो यंग हैं, माय फ्रेंड इज यंग, ये हर चीज़ अपने सिर पे ले लेते हैं कि ओ वी आर रनिंग अराउंड, ये वो। रिजल्ट क्या होता है कि 45-50 में आके या हार्ट अटैक हो जाता है या कैंसर हो जाता है या डायबिटीज़, एनीथिंग। नो, इन माई जनरेशन वी बिलीव इन 3 मंत्रास ताकि कोई डिजीज नहीं लगेगी। देन आई आस्क हिज ओपिनियन ऑल्सो, वॉट इज हिज 3 मंत्रास। सो मेरे 3 मंत्रास ये हैं एंड दीज आर ट्राइड मंत्रास। देयर वाज अ लेडी विद कैंसर, शी गॉट क्योर्ड एट द एज ऑफ 28, नाउ शी इज अबाउट 80। द फर्स्ट मंत्रा इज जस्ट डोंट गेट एंग्री, विच आई नो यंग जनरेशन की नाक पे है, इधर है एंगर, गेट एंग्री। वो गुस्सा दिला देता, कैसे दिलाएगा अभी जब आपने गुस्सा नहीं करना, वो कैसे दिलाएगा? मत करो, कोई गालियां निकाल रहा है, somebody says you are the most useless person on the earth, आपको कुछ नहीं आता, बनोगे आप ऐसे? यू नो योर सेल्फ, यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो यू आर गुड, यू से ओके मैं बहुत यूजलेस थिंग ऑन द अर्थ, एग्री विद हिम, दैट्स इट, ही कैन फाइट विद यू, कितनी देर लड़ेगा, चुप हो जाएगा। सो नेवर गेट एंग्री, दैट वेक्स अप योर एंग्री सेल्स, दैट शूट्स अप योर BP, दैट विल गिव यू डायबिटीज। सो आई कैन प्रॉमिस यू, डोंट गेट एंग्री, कैंसर विल नेवर बी नियर यू। Second mantra is stress and strain. See, I have seen the young boy or Jasvi or other people working. They take so much of stress. कोई काम ऐसा नहीं है जो 10 मिनट के बाद नहीं हो सकता, 15 मिनट के बाद नहीं हो सकता, कल नहीं हो सकता। There is no such work in the world. If you get a time to chit chat, be happy, enjoy it. काम होते रहेंगे, काम तो कभी खत्म नहीं हुए। At my age, I think I've got too much of work at this stage also. 67 years old. So please, stress and strain नहीं लेना है। कुछ भी हो जाए बोलो ये काम कल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। एंड लीव इट टू गॉड, गॉड विल चैनलाइज योर वे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई जस्ट नीड रिमेंबर, एक वर्ड है माइंड चैटिंग एट नाइट। हम जब शाम को घर बैठते हैं हम क्या कहते हैं, वो बंदा आया था बड़ा शो ऑफ कर रहा था, अपनी घड़ी ऐसे ऐसे दिखा रहा था मुझे 2 लाख की, वो ऐसे कर रहा था, उसने ऐसे बोल दिया, ही कमेंटेड ऑन मी, ही कमेंटेड ऑन माई हाउस, क्या फर्क पड़ा? नाउ दिस माइंड चैटिंग विच यू डू एट नाइट, इट गोज इन टू योर ब्रेन and your sleep, dream, everything is based on that. And the result will be कि सुबह तक आप या तो high BP होगा या सिर दर्द होगा या कुछ होगा। ये 3 मंत्रस लेके चलो, I can promise you will never get near cancer, you will never get near diabetes or high BP. And living example is me in front of you.
तो तीन मंत्रास जो मैंने आप समझे हैं और सीख लिए हैं वो ये है कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो कि हमें बिल्कुल ही अभी करना है, बिल्कुल ही खड़े पैर करना है, दैट इज़ व्हाट यू सेड, है ना। तीसरा यह है माइंड चैटिंग जो हम रात को करते, रात को जो हम खुद से बात करते हैं, बेसिक क्रिटिसिज्म, करेक्ट। तो ये जो वो इंट्रोस्पेक्शन होती है ना जो हम रोज रात को सोने से पहले करते हैं, जो हम अपने डे पे रिफ्लेक्शन डालते हैं कि क्या सही हुआ क्या सही नहीं हुआ, तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, और आई थिंक उसमें जो भी नेगेटिव है हम उस पर ज्यादा पॉन्डर करते हैं rather than on the positives, ma'am, है ना? Mainly accept like everything. Like I have got a lot of irritating habits. He has a lot of irritating. But we should accept everyone. I mean, I'm just an example. But we should accept everyone the way he or she is. He cannot think what you think. If some बंदे की thinking अलग है. Now if I feel this dress is the best on the earth, other person may say क्या गंदे से कपड़े पहने. But that's his opinion, no? So accept. खत्म बात. इधर लाओ, इधर से निकाल दो. Don't let anything go into your brain. That's it. इधर ऊपर नहीं जाने दो बस. यहीं से एक्सिक्यूट कर दो बार आउट. व्हाट यू लाइक कीप इट, व्हाट यू डोंट लाइक डोंट कीप इट. व्हाट आर योर, व्हाट इज योर थिंकिंग? मैम मैं तो ये तीनों ही करता हूँ, मतलब तीनों नहीं करता हूँ. एक तो सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, खैर करता भी बहुत ज़्यादा हूँ, बट उस प्रोसेस में क्या है मेरे साथ क्या होता है कि मैं बर्न आउट हो जाता हूँ. नेचुरली एक ह्यूमन एनर्जी, हमारे इमोशंस बहुत जगह स्पेंड हो रहे हैं, काम में, घर में, दोस्तों में, बहुत जो भी हमारे सोशल रिलेशंस हैं, हर जगह वी गेट स्पेंट आउट. 24 घंटे ही हैं मुझे लगता है हम सबके पास, और मेरी तो ऐसी हालत हो गई कि मुझे लग रहा था कि मैं 24 घंटे में दो दिन का काम कर रहा हूँ, फिर 5 या 6 दिन बाद शरीर एकदम मेरा डाउन चला जाता है, और वो होता है. तो आई अंडरस्टैंड. और रात का जो टाइम है, खैर क्रिएटिव लोग हैं हम, रात को थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, तो रिफ्लेक्शन मेरी मैम जो स्टेट आती है वो ना ट्रैवल में ज़्यादा आती है. आई ओनली फियर इज कि जब मैं कार में होता हूँ, समटाइम्स आई एम बीइंग ड्रिवन और आई एम ड्राइविंग, दैट इज़ द टाइम आई थिंक द मोस्ट, एंड दैट कैन बी लाइक अ पोजिशन कि जहाँ पे मे बी माई माइंड इज़ नॉट ऑन द रोड समटाइम्स. मतलब दैट सिचुएशन मे अराइज वन इन अ थाउजेंड केस. मतलब हम बहुत सारी डे ड्रीमिंग, गुस्सा और बहुत सारी बातें फ़ोन पे या बहुत वो ड्राइविंग करते हुए कर रहे हैं, तो मेरी स्टेज अभी वो है बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज़ हैपनिंग एट अ लॉट ऑफ विद लॉट ऑफ पीपल. तो रात को तो आई हैव फाउंड पीस नाउ. मैं पीसफुली सो रहा हूँ, जितना भी सो रहा हूँ अब पीसफुली सो रहा हूँ, और आई थिंक पर्सनली आई नीड टू वर्क ऑन इज एंगर मैनेजमेंट. यू सी, यू हैव 24 आवर्स इन अ डे. प्लीज कीप इन माइंड, गिव 1 आवर टू योर बॉडी. इफ यू कांट डू दैट, working is useless. वो मैं करता हूँ. कल आपको डिजीज लग गया, सपोज लाइक सी योर यंग पीपल वर्किंग, हम भी वर्क कर रहे हैं, हमने भी बच्चे पाले हैं, बट वी हैड क्लियरली डिवाइडेड अ टाइम, 1.5 घंटा जस्ट फॉर द बॉडी एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज. यू हैव टू डिवाइड. कल डिजीज के साथ 1 महीना हॉस्पिटल बैठ जाओगे, कहाँ काम चलेगा आपका बताओ पहले. यू हैव टू प्लान दैट कि कल मैं अगर मैं भाग रहा हूँ अगेंस्ट टाइम टूडे, आई फील मैं 2 दिन का काम 1 दिन में कर रहा हूँ, कल गॉड फॉरबिड यू रीच द हॉस्पिटल, सारा काम ठप हो जाएगा आपका, क्या करोगे सर. सो दिस नो नथिंग इंडिस्पेंसेबल इन दिस वर्ल्ड. सो प्लीज डिवाइड योर टाइम. ब्रेकफास्ट टाइम पे खाओ. हम क्यों हेल्दी हैं, हमने ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम भी खाया. चलो सोना इज अप टू लाइक ही वर्क्स एट नाइट, नो प्रॉब्लम्स, स्लीप ड्यूरिंग द डे, बट यू कांट स्ट्रेस आउट योर बॉडी. यू लव योर बॉडी, यू लव योर वर्क, सिंपल एज दैट. तो 1 घंटे की एक्सरसाइज मैम कह रहे हैं कि डेली करनी है, और अगर लॉकडाउन वगैरह हो जाते हैं या सिटी या आपका एरिया क्लोज हो जाता है, तो मतलब मैं हम सबके पास सहूलत नहीं है कि दे हैव अ पार्क अराउंड देयर हाउस या कहीं वहाँ जा सके, तो मैं जैसे अपनी सोसाइटी में ही, कॉम्प्लेक्स में ही, आई जस्ट वॉक डाउन एट नाइट और मैं कुछ राउंड्स ले लेता हूँ ताकि मैं आऊँ, कुछ मेरा ऑक्सीजन एक्टिविटी हो रखी हो, तो दैट रियली हेल्प्स. और दूसरा यंगस्टर्स के लिए मैम, मेरे को ये फील होता है कि पर्सनली जब मैं वॉक करता हूँ, इफ़ आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन, मैं अकेला चल रहा हूँ, तो आई विल यूज़ अ गुड हेडफोन एंड म्यूजिक. नहीं, रोड पे अनसेफ है. वॉकिंग, यू जस्ट वॉक व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू यू, जस्ट डू दिस बिकॉज़ यू आर डाइवर्टिंग योर अटेंशन, यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग. पर म्यूजिक मेरे को हाई देता है, वो क्यों? मतलब आई फील वेरी फोकस्ड व्हेन आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक. आजकल की जनरेशन का फंडा है ये, है तो मैम का व्यू पॉइंट भी, रिमेन फोकस्ड. Focus, अच्छा, focus on your timing, मैं walk कर रहा हूँ, brisk कर रहा हूँ, मेरी heart beat हो रही है, listen to your mind, listen to your heart, listen, how do you listen when you listen to the music?
आपको हार्ट बीट कैसे चल रही है आपकी, कैसे कर रहे हो आज आपने 9 मिनट में करा था, 10 मिनट में करोगे, कल 8 मिनट में। मेबी हम लोग शायद मैम अभी उस स्टेज में नहीं है, वी विल रीच टू दैट स्टेज। और जो लोग आज अपने सेल्फ ऑब्जर्वेंस की स्टेज में हैं, आई थिंक उनकी भी एक स्टेट बहुत अच्छी, आई थिंक दे हैव ग्रोन आउट ऑफ द स्टेज। अच्छा हाँ, फोर्थ किड ऑफ माइन। नहीं नहीं, मेरे लिए मोमेंटम है, मैं म्यूजिक की रिदम को अडॉप्ट करके वॉक करना या रन करना पसंद करता हूँ। तो आई थिंक उस वक्त मुझे ये देखना है कि मैम कि वो एक्सरसाइज मैं माइंडफुलनेस के लिए कर रहा हूँ या मेरे लिए वो एक फिजिकल एरोबिक एक्टिविटी है उस टाइम, राइट। तो आई थिंक मेरे लिए तो ये भी चैलेंज रहता है कि दैट आई हैव टू मेंटेन अ वेट, आई हैव टू मेंटेन बॉडी शेप। यस हाँ, तो लॉकडाउन में आई गिव यू एग्जांपल, लॉकडाउन था, यू कुडंट मूव आउट ऑफ योर गेट, यू हैड टू स्टे इनसाइड। यस, सो वी कंकॉक्टेड आवर ओन थिंग कि हमने पेन ड्राइव पे टीवी पे लगा दिया इन वन रूम एंड वी डू एरोबिक्स फॉर 45 मिनट्स एंड हार्ड एरोबिक्स। उसके बाद दो वी डोंट हैव अ बिग हाउस बट वी यूज्ड टू टाइम एंड वॉक टू कंप्लीट आवर 12,000 स्टेप्स। You should challenge ourselves. 12,000 से अब घर में? घर में. We did it. And small house. अच्छा maid नहीं आ रही थी, झाड़ू पोछा हम खुद कर रहे थे. हम सो भी जाएं तो 12,000 करवट भी नहीं बदल सकते. So we our target has been 12,000 adjusted. And nowadays with the things opening, we do about 15 to 16,000 steps a day as compulsory. काम बॉट में जितना मर्जी जरूरी काम हो नहीं. Health comes first. If you don't have health, क्या करोगे आप? Wealth कहाँ से आएगी? बच्चों के साथ काम कर रहे हैं आप, इतने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, थोड़े से किस लेवल पे आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है? हाउ आर यू प्लेस द होल डे? क्या आपका मेजर वर्क होता है? सी इट्स लाइक दिस, आई एम बेसिकली माय वर्क इज टू सजेस्ट, गेट देम मैन पावर, गेट देम इन्फ्लुएंशियल पीपल, गेट देम फंड्स, दैट इज माय वर्क। लाइक गिव एग्जांपल, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नारी निकेतन इन चंडीगढ़। यू विल बी शॉक्ड टू सी द स्टेट द लेडीज आर इन। व्हेन द लेडीज पिक्ड अप फ्रॉम द रोड, शी कैन नॉट रिमेंबर हर नेम, इतना टॉर्चर करा होता है इन-लॉज ने या हस्बैंड ने। सो द वर्क इज टू लेडी को पहले तो ब्रिंग टू नॉर्मल लेवल, विच टेक्स अबाउट 2 to 3 months। एक लेडी एक महीने का उसको अपना नाम याद आया, अब याद करो ये कितना बहुत टॉर्चर चीज अंडरगॉन। सो देन वी ट्राई टू हेल्प देम आउट, लाइक दे आस्क अस कि हमको कलरफुल बेडशीट्स चाहिए क्योंकि हमारे कमरे बहुत डल हैं तो हमारा मूड भी डल रहता है। आई थॉट दैट इज अ वंडरफुल आइडिया, सो हमने उनको फ्लोरल बेडशीट्स दे दी, दैट वॉज गिवन फ्रॉम आवर रोटरी चंडीगढ़ शिवालय। देन दे सेड हमको कंप्यूटर दे दो, नॉट अ प्रॉब्लम टू अरेंज। देन दे लर्नड एंड दैट वाज व्हाट इज वाज सेड, नोट वेदर दे सेड वी वांट टू डू समथिंग, डू समथिंग दैट गो इन देम। सो माय एम इज ओनली टू ब्रिंग पीपल एट पार एंड मेक देम गो, गिव देम स्किल सो दे कैन वर्क, मेक देम इंडिपेंडेंट। मैम तो जैसे नारी निकेतन से जैसे बहुत लेडीज जो व्हेन दे हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ इट, मतलब आई अंडरस्टैंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 100% एमरजेंस मे बी पॉसिबल हो ना, बट 6-7 months में, बट वेन दे हैव ओवरकम दैट फेज एंड ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने एक स्किल भी लर्न कर ली है, तो हैज एनी वन कम अप टू यू एंड टोल्ड यू दैट आई हैव डन एंड हैव यू? आवर फर्स्ट ट्राई इज टू गेट देम बैक टू द फैमिली, फर्स्ट ट्राई इज दैट हस्बैंड को रिकंसिलिएशन आप ट्राई इन-लॉज को करते हैं, फिर हस्बैंड को करते हैं एंड वी फील दे आर सेफ, then we take them, give them home, parents को करते हैं, parents बड़े poor होते हैं बेचारों के, वो कहते हैं जी हम तो खुद ही नहीं खाना खा सकते, इनको क्या खिलाएं। अगर कहीं घर उसका पूरे बंद हो जाते हैं दरवाजे, then we give them a skill and they start taking orders and start making things। ये cases क्यों rise हो रहे हैं, मतलब why is there so much of abuse or domestic violence या what strata of society is this, ये क्या है माहौल पूरा? Because ladies are not independent। एक लेडी को होना चाहिए कि अगर मेरा हस्बैंड मुझे कुछ बोले तो मैं बाहर निकल के नौकरी कर सकूं, अपनी दाल रोटी खा सकूं, दैट एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन चंडीगढ़। वी वांट टू मेक ईच लेडी सो इंडिपेंडेंट कि जिस दिन हमने बोला लेडी को, जिस दिन हस्बैंड हाथ उठाए वॉक आउट, पर आप में हुनर होना चाहिए नौकरी करने के लिए। लेडी निकल के क्या करेगी? जनरली दे आर पुअर, व्हाई गो फॉर माय ओन सन, डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, व्हेन दे गॉट माय डॉटर एंड डॉटर, चारों को बैठा के मैंने दोनों को ये बोला था, जिस दिन दोनों बॉयज लिटिल इंक्लूडेड माई सन ऑल्सो, कि जिस दिन इन्होंने ऐसा लाइन पार कर ली, आपका इंसल्ट हो गया या उन्होंने हाथ उठाया, जस्ट वॉक ऑफ, डोंट इवन थिंक ट्वाइस। सो द लेडी हैज टू हैव दैट स्ट्रेंथ इन हर, आई कैन अर्न, आई कैन लुक आफ्टर, कंप्रोमाइज करो, एडजस्ट करो, आई एम नॉट सेइंग ब्रेक ऑफ,
बट इफ द हस्बैंड इज बियॉन्ड रिपेयर सो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं हम लेडीज को जी, सो दैट हुनर हो, कॉन्फिडेंस हो. मंजीत मैम रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हुए हैं और जनरल सेक्रेटरी भी लास्ट टर्म रहे हैं 2019 से 21 तक. तो 2 years कंसेक्यूटिवली मैम जनरल सेक्रेटरी भी रहे और आप प्रेसिडेंट मैम कौन से ईयर में रहे थे? सेक्रेटरी फर्स्ट 2015-16, 17-18 प्रेसिडेंट, देन 19 ऑनवर्ड्स यू वर 19-20 राइट राइट. सो 2021 यू आर द जनरल सेक्रेटरी. तो मैम रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा. आई टेल यू इन लाइफ सबको एक्सेप्ट कर लो, डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स, डोंट गेट इनटू कंट्रोवर्सीज, एवरीथिंग इज एंजॉयबल. वी हैड लॉट ऑफ पॉलिटिक्स व्हेन आई वाज अ प्रेसिडेंट, देयर वर टॉप लेवल फाइट्स गवर्नर्स एंड देयर वर स्प्लिट ग्रुप. आई डिडंट जॉइन एनी ग्रुप. आई सेड जो आरआई प्रेसिडेंट बॉस ने बोल दिया बस बात कर. सो डोंट गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी एंड इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस. वी आर लाइक अ फैमिली, वी डोंट यूज द वर्ड क्लब. R is Rotary Chandigarh Shivalik, no club, no club, extended family. So we enjoyed every bit. People love me and I love everyone. So जो हमारा core group भी है उसके ऊपर लिखा होता है RCS extended family, right? Ma'am, आप बच्चों के साथ भी you are involved so much with children and children I would say of the age group less than 12-14. No, right from say 6 years to college. 6 years college. Till college. तो बच्चों के साथ व्हाट आर द इश्यूज दैट यू आर आइडेंटिफाइंग एंड वर्किंग ऑन? सी बच्चों की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है. आई गिव द ब्लेम टू द एडल्ट्स. चिल्ड्रन आर वंडरफुल चिल्ड्रन, नथिंग रॉन्ग विद देम. गॉड यूज द सेम इंग्रेडिएंट फॉर देम व्हाट ही यूज्ड फॉर अस. बट हम एडल्ट्स उनसे एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं. बच्चे आजकल जी बाजार नहीं जाते, हम अपने टाइम पर जाते थे, आप भेज रहे हो अपने बच्चों को. आई टेल यू सिंपल, चिल्ड्रन लव स्ट्रिक्टनेस. They love the danda chalai. They don't like it that time. There was a boy whom I stopped from national games hockey, and our school was very proud of him. The goalkeeper, too many goals he used to do. I didn't allow him to go for the final match, and I was strict with him. Very naughty child. Afterwards, the children come to me. I am supposed to be known as a Hitler, by the way. From my smile, also you can come. Lah, nahi hai. So, but after they pass out from school, they should come. Ma'am, can we hug you? We love you so much. So children want you to guide them. तब गालियाँ निकालेंगे आपको, but afterwards they recognize you and they come back to you. So children में इतनी problem नहीं है जितना हम में है. Because we don't know, children are moving around, we are talking useless things. They're listening to us, they will do the same thing. They look through you. Like today I tell my children, do hard work. If they find I'm not doing, they will never do it. But if they genuinely see me doing it, they will do it. बच्चों में कोई problem नहीं आता. Children are wonderful, very creative. Very nice. बच्चों में नहीं, adults में. मैम हाउ मैनी यंगस्टर्स और हाउ मैनी वर्किंग प्रोफेशनल्स जिसको कहते हैं कि पीपल अप टू द एज ग्रुप ऑफ 45, डू यू सी कि वो लोग एक्टिवली दे आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, या लोग कैसे, या इन व्हाट फॉर्म्स आर दे गिविंग बैक टू द कम्युनिटी? जैसे अभी रूल बन गया है, दे हैव टू डू कम्युनिटी वर्क टू गेट एडमिशन एनीवेयर. इवन इफ दे गो अब्रॉड, दे हैव टू हैव शो कम्युनिटी work certificate for minimum 15 days. That's the ruling now. So schools, right from class 9, SUPW कहते हैं, where society work has to be done by them. So from 9th we give them a project, old age home, slum area. So they are forced to do it in the school and they have a grading for that. And foreign जाने के लिए तो हमारे बच्चे आते रहते हैं कि मैम we need to have community work for 1 month. अभी भी दो बच्चे कर रहे हैं हमारे online. They're teaching slum children. English पढ़ा रहे हैं and after that we give them a certificate. So now it's become mandatory. So and CSIR जब से आया है तब से तो everyone is doing it. So children are interested. मैम जब बच्चे इतने children homes हैं जो, या इतने orphanages हैं, या अभी blind school के साथ भी जैसे हमारा association रहा है और नारी निकेतन के साथ भी, तो जब इतने सिटीजन्स जो इन इंस्टीट्यूशंस में हैं, जब उन्हें स्किल एम्पावर होती है, तो उस स्किल की कहीं पे उनकी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एब्जॉर्प्शन कराने में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कराने में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में कहीं उसमें हमारा कोई काम चल रहा है अभी? जैसे जी नाउ लास्ट संडे ऑफ द मंथ इज अ विजिटर्स डे.
जब कईयों के हैं रिश्तेदार, कईयों के कोई भी नहीं है, तो हमने रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक से वी विजिट लास्ट संडे ऑफ द मंथ, वी गो एंड स्पेंड टाइम विद देम एंड समबडी स्पॉन्सर्स अ स्मॉल स्नैक्स फॉर देम. सो नाउ बर्थडेज ऑल्सो भी वहीं सेलिब्रेट होते हैं. अभी हमारा प्रेजिडेंट की जब डेथ हुई, उनका चौथा हमने सनालिया करा, वी डिडंट डू अदर अनीश का. सो देयर वी वेंट, वी डिड व्हाटएवर द फेवरेट, चना भटूरा, वी डिड जीरा आलू. अब टेंथ तक सनालिया लुक्स आफ्टर द बॉयज, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं. उसके बाद बच्चा इंटेलिजेंट है, समबडी स्पॉन्सर्स हिम फॉर हायर स्टडीज, डॉक्टर इंजीनियर भी बने हैं, IIT भी गए हैं. जो बच्चा कुछ एवरेज है, नॉट वेरी गुड, उसको भी एक स्किल देते हैं हम, लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एंड देन इंश्योर दैट ही गेट्स अ जॉब और ही डज अ प्राइवेट वर्क एंड दे एक्सेल, दे डू वंडरफुल जॉब. आप कभी सनाले, इफ एनीवन गोस, गेट्स, आई विश यू कैन गो. द बॉय मेक्स लवली शिप ऑफ दिस साइज विद ऑल द फिटिंग्स ऑफ शिप विद द न्यूज़पेपर, नॉट अ पेनी स्पेंट. You should see that ship. Itna to I think biggest of architects can't do it. And he gave it to us, presented. So when I asked him, "Kyun de rahe ho beta? Hum denge." Kehta, "Aap aana mat band karna. Jab aate ho mahine mein ek bari, please keep coming." That is a love. So skill de rahe hain, job bhi de rahe hain sabko. Ji. And they come back to you to tell you that we are happy. Anything, ma'am, jo you would want our viewers to know. Generally about life and the circumstances, the whole globally we are going through, the world is going through. What you think in your mind, that will happen to you. Simple as that. Think positively. Kuch bhi, it's very easily said, but like telling you out of my experience, I have always taken everything positive. Galiyan bhi nikal de, I'm happy, smile around, that's all. And nothing is impossible in this world. Everything is possible. Only have the willpower, the enthusiasm, and never give up hope. I'm never going to give up. Bas. Enjoy life. Enjoy every moment. Next moment, you don't know what's going to happen. So don't postpone. Enjoy your present. Don't worry about the future. God looks after your future. Past has gone. Nothing to worry about that. So enjoy every present moment. Like if today I tell you now, ye kaam chhod ke, aajao, let's have dinner together. You should say, "Theek hai, dinner khate hain, kaam hota rahega." Then you will be happy. And have good friends around you. That makes a lot of difference. So, you want to reach my age. आपकी बात से ना मैम दो मेरे को चीजें याद आई. एक मैंने फिल्म बनाई थी लोनलीनेस, उसमें टैगलाइन थी होप एंकर्स द सोल. एंड फिर उसके बाद जब हमने एक फिल्म पे काम किया एडमिटेड, सो दैट फिल्म वाज ऑल अबाउट होप. दैट फिल्म वाज ऑल अबाउट होप एंड द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ. की वही मंत्रा है कि मेरा, कि अगर मुझे लाइफ में सोचने की पावर मेरे पास है तो मैं बुरा ही क्यों सोचूं. I fell down in Singapore and I had a fracture. 4 days I did not do anything. Foot was this size. Blind man could say it's a fracture. In pain, no tablets, walking around with crepe bandage. On Monday I told my husband, let's go to a doctor in Singapore, and he showed me this much difference in the bones. He showed me, "Ki, ma'am, it's a bad fracture, and if you don't take care, it will tear a joint over and be a major surgery." And he put a temporary cast because I told him I want to go to Chandigarh and do the needful. We reached Chandigarh, command hospital said surgery, plate dalegi, it's bad. I went to Fortis and I told him I spoiled my case, I walked around, I did everything. So now it's up to you. Dr. Sen, one of the very good orthopedic surgeon from PGI, had shifted there. And he told me, take x-ray. Can you imagine the bone joint absolutely straight? He said, what did he do? I said, positive thinking, surgery, nahi karani. And after that, people are witnesses, ask Shanti and all. I ran around, I did my 5-kilometer walk, I went to school, I used to take normal round, no stick, nothing. Literally ran around. And after that, he refused to take my x-ray. He says, "Aap jao, kuch nahi chahiye." That is your positive thinking. Power of thinking, and know your body. I knew my body, I can do it. But that's all, I can do it. I am the best in the world. I can do it. Bas. मैम व्हेन यू एक आप एक ऐसी सिचुएशन में हो वेर यू आर सिटिंग और यू गेट अ कॉल, समबडी शेयर्स कोई बुरी खबर सुना देता है, या कोई आसपास दो चार पांच लोग ऐसे बैठे होते हैं जो ये कहते हैं ये काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, आपने गलत कर दिया, आपने ये क्यों किया. देर आर, यू आर सराउंडेड बाय पेसिमिस्ट पीपल समटाइम्स और पीपल हु आर मे बी नॉट अलाइन टू योर सिचुएशन राइट नाउ, योर फ्रेम ऑफ माइंड. जैसे आपने कहा कि गुस्सा नहीं खाना, बट गुस्सा खाना नहीं है, बट गुस्सा आना नहीं है, दो सिचुएशन डिफरेंट होती हैं. गुस्सा आता तो होगा ना, इट्स अ नेचुरल एंगर, इज अ, इफ यू जस्ट
don't listen to that person. See, today somebody shouting at me. आपने मतलब I start thinking of something else. Immune कर लिया मतलब you don't you said कि okay this kind of energy is not going to enter me, right? So how do you you don't respond to them or you just? I don't respond. I generally write in a diary. All my feelings come out in my writing. Where I say I do not. कहीं तो है ना मैं वो पूछ रहा था कि बाहर कहाँ? I tell you like long time back when my mother told me to do parts. So nobody's religious in the house. I picked up Japji Sahib but I couldn't understand. So I started communicating with God for last 30 years I think. So I communicate to him like a friend and he's actually a wonderful friend. I just whatever painted of feelings I do with God. उस बंदे ने इधर आ गया कैसे आ गया क्यों बोला कैसे करा God how could you allow this? So I do the morning and night before I go to bed and early morning and miracles have happened in our house. Miracles is a word because I just put trust in that God. He joke even when my daughter's whereabouts were not known for good 30 hours we didn't know where she is. I told God do what is good for her. I never said God वापस कर दो. Not a tear in my eyes. I just said God do what is good for her and imagine angels through humans. Angels don't come down through humans. Like I've never helped anyone on the platform asking आप कहाँ जा रहे हो बेटा? Can I help you? People did for her. That is it. I think so. Communicate with God as a friend, not as God. कोई worship नहीं करना, कुछ नहीं करना. Just talk to him like a friend. जैसे tomorrow you go कि I was so hard work. फिर मजीद मैम ने बुला लिया, मैं वहाँ गया. फिर मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया. You'll find certain things you'll start blaming yourself कि मैं ये कर सकता था. अगर मजीद मैम ने ऐसे बोला, इसीलिए बोला क्योंकि मेरी हरकत ऐसी थी. That is the thing. Just communicate like a friend and you'll find he does miracles for you. Miracles. The mantra is, I think, the power of positive thinking. Communication and right communication. And right communication. गलत communication नहीं करनी और अच्छा ही सोचना है. जैसे कोई आपको आपसे कोई गलत बोल के चला गया and he just said to hell with you, I don't want to talk to you. Where's the harm if you just go and apologize? जब भी डालो मैं चलो forget about it. ठीक है तुमने गुस्सा कर लिया बात कर. You're working with so many underprivileged women and children. Has anyone reached out back to you? कोई वापिस आया है आपसे मिलने? कोई स्पेशली ढूंढ के आपसे मिलने या बात करने? कोई ऐसी कोई किस्सा आपको याद आता हो? या आप इतने लोगों की इन जनरल हेल्प कर देते हो कि बस यू डोंट वांट कि यू वांट देम टू बी हैप्पी एंड जस्ट जी आदमी को तो एड्रेस नहीं पता होता हमारा. हाँ सीधी बात है. बट जब सड़क पे मिलते हैं, वंस आई वाज वॉकिंग डाउन टू द मार्केट, अ पर्सन इन स्कूटी वहां रोक के पीछे भागा, मैम 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 करता है, पहचाना आपने? आई शो यू, कल मैसेज आया एक रोड ट्रैक्टर का, ही इज प्लांटेड अ ट्री इन माय नेम एंड आई हैव नॉट मेट हिम फॉर लास्ट 3 इयर्स. 3 साल हो गए. बट शी सेंट अ मैसेज टू मी, गॉट द phone, I don't know from where she got my number. She's WhatsApp message kara, very pretty girl. I just show you the WhatsApp message. So aise pahunchte hain. Wo mera ek bachcha ko bola tha, maine kaha jab tum pad rahe ho don't give me any gift, reuse card mein mujhe card de do handmade, jab job karoge you give me anything in the world I will take it. The children have reached out. Right. They come running, but सड़कों में मिलेंगे. They don't know where I'm staying, no. हम यही तो अच्छी बात है कि घर से बाहर निकलो और कोई. हाँ आज मैं हस्बैंड हम हिसार चले जाएं कहीं चले जाएं. एक बच्चा कोई टीचर कोई ना कोई मिल जाता है. एवरीवन विल कम रनिंग, मैम डू यू रिकॉग्नाइज मी, कहीं भी चले जाओ. एंड इट्स अ ग्रेट प्राइड. अभी वॉक जाते हैं तो पता नहीं कितने 20 बच्चे मिलते हैं. तो ही स्टार्ट अप, ही सेड तुम अच्छे हो, कहां कहां बच्चे ऐसे 39 इयर्स हैव टॉट. मैम आज आपसे मिलके आपसे बात करके और आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी आपके बारे में जान के और आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा है. सो वी हैव आई बिलीव यू मस्ट कम एंड सी दिस प्लेस. हाँ ये डेफिनेटली गर्ल्स एंड हाले आल्सो लवली गर्ल्स, दे नेशनल प्लेयर्स, बट दे नीड छोटी छोटी चीजें जैसे स्पोर्ट्स ड्रेस, अंडरगारमेंट्स नहीं थे स्पोर्ट्स के. सो दे रिक्वेस्टेड कि मैम हम खेलने नहीं जा सकते, दे सम दे मेड आउट सम ड्रेस कोड फॉर देम, सो वी अरेंज फॉर देम. फिर ट्रैक सूट्स नहीं थे, इस साल ही ट्रैक सूट्स नहीं थे, गवर्नमेंट डिडंट रिलीज सम मनी और समथिंग हैपेंड. सो डोंट थिंक इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. Just help them. Like Punjab government has declared, take any school, जो दिल करता करो, and अपना नाम भी लिख दो उसको, give your name. So people need help. So please, all of you, just try and reach, see the places, and you'll feel like doing something for them. I think our audience will definitely reach out to these places. और ये है, this is for you, ma'am, for being the, you know, flag bearer, the torch bearer, and keeping the momentum, because आपने बहुत
women ko, bahut bachchon ko. You have inspired them, you have showed them the way, and you have done so much doing. It is just passion, and God finds a way. He finds people who can work for the society. I really believe in that. Ji. Like once we went to one center, I go and jaldi carry sweets from Angarwari. Ji. Very poor children. So I generally carry sweets, or when I take influential friends with me who buy all these things. Mm-hmm. And once I ask them, ki beta tum sundar si smile dete ho, bhage aate ho, ye main hu ki ye packets hain. Now they didn't want to speak a lie, so they all eyes went to the packets. That is a lovely. So, aapke liye we have goodies and hampers from our partners. This is from Aroma Musk. Very nice. Thank you so much. Perfected by nature. And this is from Elestos. Thank you, ma'am. Gift is very good. I think. Nobody gets angry when somebody is given something. Thank you so much. They're lovely. Very nice. Thank you, ma'am, for guiding a generation. Thank you. आपको हमारी चैनल की तरफ से कि आपने इतनी वेमेन के लिए, इतने बच्चों के लिए, इतने अंडर प्रिविलेज बच्चों को, यू हैव एम्पावर्ड देम विद स्किल्स, शोड देम द राइट पाथ एंड गाइडेड देम. और मैं तो चाहता हूँ कि आप घर से बाहर निकले, आपको और लोग मिले. हम घर में होते ही नहीं है, कभी इसी लिए वी आर ऑन द रोड ऑल द टाइम. सो नहीं, इट्स लवली हेल्पिंग अदर्स, बट माय एम इज टू ब्रिंग एवरीवन एट पार लाइक दिस. वी ऑल शुड बी सेम, नो पुअर नो रिच. रिक्वेस्ट टू यू ऑल, get into small work, ज़्यादा बड़ा नहीं करो, थोड़ा अपनी तरफ से कुछ छोटा मोटा किसी को help कर दो, that's all. या आप किसी को भी help करें, the energy will travel. Girl education, 9th class की girl की fees है 1 साल की, that's a big thing for us. 9th class is free education नहीं है 9th के बाद, 8th तक free. So बस वो एक fees है दो बस. Thank you so much, ma'am, for giving your time for the show today, and मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का हमारा ये एपिसोड मंजीत कौर मैम के साथ अच्छा लगे. वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ RFE Unplugged. कीप वॉचिंग अस ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट. थैंक यू सो मच. आप देख रहे हैं RFE Unplugged, रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे.